हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला पिजन कंपनी के ओर से आने वाला हेल्थी फ्रायर डिजिटल एयर फ्रायर, जिसके अंदर आप विदाउट ऑयल का कोई भी डिश बना सकते हो। तो इसे किस तरह यूज करना है, किस तरह आपको इसकी फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है, कितना इसके अंदर कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, हैंडल की क्वालिटी किस टाइप की देखने को मिलता है, कितना वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये यूज करेगा और इससे आपको हेल्थ में बेनिफिट देखने को मिलता है भी नहीं, वो प्रॉपर तरीके से कुछ भी आप फ्राई करते हो वो होता है भी नहीं, तो कुछ चीज हम फ्राई करके भी इसके अंदर देखेंगे। 2199 रुपीज का अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सीए में कोई 3000-4000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। तो कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स पैकिंग देखने को मिल जाता है, बॉक्स के ऊपर इसका इमेज और इसके कुछ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इस साइड में भी इसके कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ फ्राई किए हुए वो इमेज देखने को मिल जाते हैं, अंदर डिश वगैरह शो है और इस साइड में भी आपको 2 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, 1250 वोल्ट का पावर सप्लाई होगा, 4.2 लीटर की इसके अंदर कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो चलो करते हैं इसे ओपन। तो बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक यूजर मैनुअल और ये प्लास्टिक में रैप होके आता है, तो जिसे करते हैं ओपन। तो 6 एम्पीयर का इसके अंदर प्लग देखने को मिल जाता है, वायर लेंथ की बात करें 3.5 फीट के करीब वायर लेंथ दिया गया है और कंप्लीट ये ग्रीन कलर में देखने को मिलता है और ऊपर जो कि सिल्वर ब्रांडिंग देखने को मिली, ऑलरेडी मैंने इसे ओपन कर लिया, प्लास्टिक रिमूव कर दिया और ऊपर की साइड में आपको टच पैनल देखने को मिलेगा, जब मैं कनेक्ट करूंगा तो आपको शो कर दूंगा। इधर आपको अंदर की ओर कंटेनर देखने को मिल जाता है, इस तरह खींचोगे तो बाहर कंटेनर आ जाएगा और अंदर जो भी फ्राई करोगे तो ये आपको नीचे ऊपर रखना रहेगा। तो अंदर ये प्लेट दिया गया और प्लेट का डायरेक्शन भी इन्होंने मेंशन किया हुआ, ये डायरेक्शन जो कि अंदर के साइड आएगा। अंदर आपको नॉन स्टिक कंप्लीट पैन देखने को मिल जाता है और इधर कुछ इस टाइप का ओवरऑल हैंडल दिया गया है। लॉक करने के लिए आपको इसको अंदर डालना है, इधर से आप पुश करो तो भी लॉक हो जाएगा, नीचे की ओर से आप पुश करो तो भी लॉक हो जाएगा, कुछ इस टाइप से डायरेक्ट पुश करके भी लॉक हो जाता है। ठीक है, इसे मैंने प्लग में कनेक्ट कर लिया और इधर से मैं करता हूँ पावर ऑन और जैसे आप पावर ऑन करोगे तो ऊपर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, ये आपको पावर का बटन देखने को मिल जाता है और जैसे आप इसे रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली जो कि इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं रहेगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको देख सकता हूँ कुछ इस टाइप का साउंड आएगा जब भी ये चालू रहेगा और इसे इस तरह रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा, ऊपर भी कंप्लीट लाइट बंद हो जाती है और कंप्लीट टच वाले सेंसर ऊपर लगे हुए। इसके अंदर क्या फंक्शनलिटी वो मैं शो कर देता हूं, तो इसे आपको पूरा बंद करना पड़ेगा तभी जाके ऊपर के डिफरेंट डिफरेंट मोड्स के ऑप्शन आएंगे, तो इसे मैं करता हूं पूरा बंद। तो जैसे कि मैंने अंदर ये लॉक लगा चुका, अभी ये बटन आप देख सकते हो पावर का बटन विजिबल हो गया, इसमें मैं टैप करता हूं तो ये सारे मोड्स आ चुके हैं। तो इधर से आपका टेम्परेचर कंट्रोल होगा, इधर से आप कम करोगे जितना भी टेम्परेचर रखना चाहते हो रख सकते हो, जिस तरह हमारा 100 डिग्री पे बॉयल होता वाटर तो उस तरह इसके अंदर टेम्परेचर दिया गया। तो इसके अंदर आपको 160-170 टेम्परेचर देखने को मिलता है, कंप्लीट एयर फ्रायर तो जिसके कारण इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं यूज करेगा, तो जिसके वजह से टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा वो केस पे हमारा फ्राई होगा। तो इधर आपको देखने को मिल जाता है टाइमिंग, डायरेक्ट इस पे प्रेस करोगे तो आपको 1 आवर का टाइमिंग है और आपको टेम्परेचर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और इधर आपको पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। इधर से इनकेस आप टाइमिंग को कम ज्यादा करना चाहते हो 1 आवर 2 आवर या फिर 1/2 आवर 0.5 आवर तो वो भी कर सकते हो, इनकेस मिनट में आपको रखना है तो मिनट में भी कम ज्यादा कर सकते हो। इधर से आपको वॉच का जो ऑप्शन है इस पे प्रेस करना है और इसके बाद में इधर मोड चेंज हो जाएगा, मिनट हो जाएगा और या फिर आवर का हो जाएगा। तो इधर से जब भी प्रेस करोगे इस टाइप का साउंड भी आएगा। इधर आपको देखने को मिलता है मोड्स, इधर आपको पावर का बटन देखने को मिलता है, ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर दिए गए जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गया, टिक्का हो गया, समोसा हो गया, गाजर हो गया या फिर पिज्जा बना रहे हो या फिर कुछ भी चीज फ्राई कर रहे हो या फिर केक बना रहे हो, बेक कर रहे हो या फिर आप बनाना का चिप्स बना रहे हो। इधर आपको मोड्स के देखने को मिलते हैं, इस मोड पे प्रेस करूंगा तो अभी ये इंडिकेट कर रहा है, फिर से इस बटन पे प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। 200 डिग्री इसका टेम्परेचर रखा हुआ, 14 मिनट सेट किया हुआ जो भी आप सेट करोगे और इधर से आप टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे वो भी करके इस पर प्रेस करोगे तो आपका फ्रेंच फ्राइज डाला हुआ है तो वो स्टार्ट हो जाएगा बनना। वहीं ये वाला आपको करना है तो इधर मोड सेकंड मोड पे टैप करना है तो ये वाला लाइट ब्लिंक करेगा, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट एक सेट रहता है जैसे कि आप देख सकते हो 10 मिनट में वो होता है, मैं ये वाले पे करूंगा। अभी टाइमिंग दिखा तो 25 मिनट में समोसा बनता है, उसका टेम्परेचर 200, मोस्ट ऑफ लोग का टेम्परेचर 200 ही है तो जो फास्ट और अच्छे से बनेगा। वही तो गाजर का वहाँ 25 मिनट का ऑप्शन है, वही आपको पिज्जा बना रहे हो यहाँ ब्लिंक कर रहे हो तो इधर 180 डिग्री पे पिज्जा बन जाता है, उसका टाइमिंग जो कि 15 मिनट है। वही ये वाला मोड पे प्रेस करोगे तो इधर 180 डिग्री का रिक्वायरमेंट है, 20 मिनट है, वही इस पे जो कि ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब इधर आपको मोड्स आ जाते हैं, मोड्स आने के बाद में चिप्स आ गया, चिप्स पे 180 डिग्री, वही तो इसका टाइमिंग है 12 मिनट। तो कुछ टाइमिंग और टेम्परेचर ऑलरेडी सेट रहता है और इनके साथ आपको अपना मैन्युअली एडजस्ट करना है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो भी कर सकते हो। और आप फर्स्ट टाइम इसे यूज करोगे तो हो सके आपको कंफ्यूजन रहे, एक दो चीज आप बनाओ तो हो सके प्रॉपर ना भी बने। तो जैसे कि इसके अंदर नली को डाल के फ्राई कर लेते तो जैसे आप देख सकते हो कुछ नली को मैंने इसके अंदर डाल दिया और ऊपर आपको जो कि जिस तरह मैंने बताया मैन्युअली टेम्परेचर वगैरह सेट करना रहता है तो मैंने 5 मिनट टाइम सेट किया और 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया हुआ है। वो स्टार्ट करने के बाद में मैं बीच में जो कि 3 मिनट में आप 2 मिनट में बीच में निकाल के भी देख सकते हो प्रॉपरली फ्राई हो चुका है, तो आपको स्टॉप कर देना, मशीन को बंद कर देना और आपको लग रहा नहीं हुआ तो फिर से आपको अंदर डाल देना एयर फ्रायर के। पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने कुछ भी चीज डाला इधर 10 मिनट सेट किया हुआ प्रॉपर नहीं बना, तो बीच में आप निकाल भी सकते हो, निकाल के चेक भी कर सकते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बन गया 1 मिनट में बन जाएगा तो यहाँ से आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, सेंसर लगा हुआ है। तो पूरा मैंने डिटेल में इसका बता दिया, आप कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था 2199 रुपीज का, अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम है कोई 3000-4000 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। और ये वीडियो
2023 या फिर 2024 में देख रहे हो 6 मंथ में इस टाइप के एयर फ्रायर अपडेट भी होते रहते, जो लेटेस्ट वाले रहेंगे मिनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।